शुरू हो गई है जंग। भारत पाक के बीच इस बार युद्ध जमीन या आसमान में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये जंग हो रही है कंप्यूटर पे, यानी साइबर वॉर। इस वॉर में दोनों मुल्कों को जान माल का नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए दोनों मुल्क कोई भी ठोस प्रयास नहीं कर रहे। पेश है रिपोर्ट। भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने वाला पाकिस्तान चाहे भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की लाख दुहाई दे, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी दोनों देशों के बीच एक ऐसा मोर्चा खुला हुआ है जहां काफी सालों से युद्ध चल रहा है, और ये मोर्चा है साइबर मोर्चा। कहने को भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के बाद कोई जंग नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 2 सालों से दोनों मुल्क एक दूसरे पर लगातार हमला किए जा रहे हैं, और दोनों देशों की ओर से सेना की कमान संभाले रखी है इनके हैकर्स ने। इस जंग में दोनों देशों के हैकर्स की फौजें लगातार एक दूसरे देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं पर हमला कर रही हैं। साइबर क्राइम के जानकार मानते हैं कि रोजाना दोनों देशों की ओर से हैकर्स की टीम 100 से ज्यादा कंप्यूटर साइट्स पर हमला कर अहम जानकारियां चोरी कर रही है। साइबर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेसिकली क्या है कि अनफ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो पिछले 4-5 साल से इतना एक्टिव हो गया है कि अब तो इतना हो गया है कि डेली की 30-40 वेबसाइट्स इंडियन हैकर्स पाकिस्तान की हैक करते हैं, और पाकिस्तानी हैकर्स इंडिया की वेबसाइट्स हैक करते हैं। दरअसल छद्म तरीके से लड़ा जा रहा ये युद्ध पिछले काफी सालों से चल रहा था, लेकिन 26/11/2008 को मुंबई में होटल ताज पर आतंकी हमले के बाद इसमें काफी तेजी आई है। हमले के बाद भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तानी साइट songs.pk को हैक कर दिया, तो पाकिस्तानी हैकर्स ने भी भारतीय रेलवे की साइट हैक की थी। अगर हाल ही के 3 सालों में दोनों ओर से साइबर हमलों की बात करें, तो भारत की ओर से पाकिस्तान के CM सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी साइट्स पर अटैक किया गया। वहीं पाकिस्तान हैकर्स ने भी साइबर सेल मुंबई और राजस्थान शासन सचिवालय की लाइब्रेरी की साइट हैक कर दी। दोनों देशों की ओर से मोर्चा भी विख्यात हैकर्स से संभाल रखा है, जिनमें हिंदुस्तान की ओर से मिस्टर 52, हैक्सर, माइकी, रूट, सिलिकॉन सक्रिय हैं, तो पाकिस्तान की ओर से पाकलिटिस, कांटेस्टिक, पाकिस्तान साइबर आर्मी, इस्लामिक घोस्ट को कमांडर का जिम्मा मिला हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दोनों देशों की ओर से हैकर्स ने किन महत्वपूर्ण साइट्स पर हमला किया। वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट्स काफ़ी हैक हो रही है। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट वेबसाइट्स इंडिया की साइबर सेल की वेबसाइट, साइबर सेल मुंबई की वेबसाइट कुछ टाइम पहले हैक हुई थी, इंडिया की CBI की वेबसाइट हैक हुई थी। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि CBI को, साइबर सेल को हम रिपोर्ट भी करते हैं कि आपकी वेबसाइट्स सर वल्नरेबल है, प्लीज़ इसे सिक्योर कर लीजिए, तो उनके कुछ रीजंस कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे पास फायरवॉल्स है, हमारे पास एंटीवायरस है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सिक्योरिटी सिस्टम बेहद मजबूत होने की वजह से सूचनाओं में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन भारत और पाकिस्तान की साइट्स को कोई भी साधारण सा हैकर अपना निशाना बना सकता है। जानकार मानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध से अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि देश में सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि हमारा सूचना तंत्र महफूज रह सके। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए सुशांत पारे की रिपोर्ट।